नाज़रीन आप देख रहे हैं शाइन टीवी न्यूज़। शाइन टीवी न्यूज़ के साथ खबरों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद के साबिक एडिटर मोहम्मद अकरम राजा, गवर्नर सिंध कम्युनिटी सर्विस ने सेवन शरीफ अहमद, गवर्नर सिंध ने दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई। दरगाह में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध में अख्तियार की कोई जंग नहीं चल रही, अख्तियार सबके पास हैं, काम करने के लिए कोशिश जारी है। अवाम की भलाई के लिए टेक्नोक्रेट ने हों या न जमहूरी ने हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मजीद गवर्नर सिंध कम्युनिटी सोरेन ने लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी के बाद कहा कि वक्त गुजरने के बाद इन इल्ज़ाम टेक्नोक्रेट ने पारिया जमहूरी हुकूमत पर डालकर बचा नहीं जा सकता है। अवाम आज भी इन गैस बिजली पानी और रास्तों के लिए तरस रही है। मुल्क बनने ने 75 साल में हो गए, शहरी इलाका देहात का मंजर पेश कर रहे हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं कहा कि गवर्नर के पास अख्तियार नहीं है, मेरे पास पूरे अख्तियार हैं और मैं अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इदारों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने की ठान ली है। गवर्नर सिंध अवाम में रहते हुए सिंध भर में जा रहा हूँ, सैलाब मुतासिम की माली तावनत के लिए समाजी तंजीम भी साथ दे रही है।